मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आदर्श मिथिला पार्टी उम्मीदवार बने इंजीनियर सुरेश्वर पोद्दार। मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव कराए जाएंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने की तिथि भी समाप्त होकर इसकी स्क्रूटनी भी कर ली गई है। मधेपुरा सीट पर राजग राजद आदर्श मिथिला पार्टी एवं निर्दलीय सहित कुल 15 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। बताया जाता है कि इसमें से 8 उम्मीदवार का नामांकन पत्र में त्रुटि रहने के कारण रद्द कर दिया गया। अब कुल 7 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। ऐसे में मतदाता किसे ताज देकर सम्मानित करेगी वह 4 जून को ही परिलक्षित होगी। वहीं आदर्श मिथिला पार्टी उम्मीदवार ही सुरेश्वर पोद्दार ने अपना नामांकन वैध होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आदर्श मिथिला पार्टी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली देने, पलायन की समस्या से निजात के लिए उद्योग स्थापित करने, बेरोजगारी भत्ता देने, पेंशन में बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दे पर जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर अलग मिथिला राज्य निर्माण के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा इसके लिए जनता से अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी लोग मिथिला राज्य निर्माण के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं आप बतौर प्रत्याशी, जो नॉमिनेशन आपने दे दिया है, जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है मिथिला वासियों का जन समर्थन देख करके। सभी लोग मिथिला राज बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी लोग मिथिला राज बने, शीघ्रातिशीघ्र बने, इसकी सभी लोग दुआएं कर रहे हैं। मैं हाल ही नॉमिनेशन पत्र दिया हूँ, 19 तारीख को मेरा फाइनल नॉमिनेशन था। कल जो है निर्वाची पदाधिकारी ने हमें नामांकन पत्र स्वीकृत करके घोषित किया है, तो मुझे अपार खुशी हो रही है कि मेरा नामांकन पत्र स्वीकृत हो गया है। क्षेत्र में बहुत तरह की समस्याएं हैं लंबित पिछले कई वर्षों से, किस तरह से देखते हैं आप मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र को? अगर जनता आपको जीत का सहारा पहनाती है तो किस तरह से काम करेंगे? सबसे पहले यहाँ हम औद्योगिक क्रांति लाएंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ उद्योग की क्रांति लाना चाहता हूँ। यहाँ मैं जल संसाधन की काफ़ी मात्रा में है, उसके बाद जो है उससे हमारा हाइड्रो एनर्जी बन करके मैं दूसरे राज्यों में बेच सकता हूँ, उससे मेरी काफ़ी आमदनी बढ़ जाएगी। सोलर पावर से काफ़ी आमदनी बढ़ेगी। मेरे पास मत्स्य पालन, जो मखाना है, ये हमारा बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस का स्रोत बन सकता है। दूसरे राज्यों में ये बहुत इनकी मांग है, हम इसके निर्यात तक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा मिथिला क्षेत्र उद्योग में सबसे अग्रणी रहेगा। अभी जनसंपर्क आप लगातार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा? मुझे अपार समर्थन मिल रहा। मैं करीब 30-40 पंचायत घूम चुका हूँ, मुझे ज़्यादातर लोगों से पूरा समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है जो समर्थन मिल रहा है वोट में तब्दील होगा? वोट की राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की राजनीति कर रहा हूँ कि सबसे है कि मेरा मुद्दा जो है 7 मेरी मुख्य मांगे हैं, जो मिथिलांचल राज बने जिसकी राजधानी सहरसा हो, बेरोजगार युवा को 5,000 रुपया प्रतिमाह मिले, वृद्धावस्था पेंशन जो है 400 से बढ़कर 2,000 रुपया हो, दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली हो, क्योंकि एक ही देश में 2 कानून नहीं चल सकता। एक गरीब राज्य है जहां बिजली देना पड़ता है, एक अमीर राज्य है जहां की बिजली फ्री है। तो इस तरह की अपने ही राज्य में इतनी बिजली की किल्लत है, तो ये तो हम उसे दूर करना चाहते हैं। क्या नाम है? की समस्या को कैसे दूर करें? पलायन की समस्या को कैसे दूर करें? पलायन की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ उद्योग लगाना जरूरी है। बिना उद्योग लगाए हम चाहते हैं कि हर एक जिला में एक बहुत बड़ा उद्योग लगे, जहाँ 1-2 लाख लोग उसमें तुरंत उसका रोजगार मिले। और ऐसी संभावनाएं हैं कि मैं विद्युत उत्पादन के द्वारा, हाइड्रो एनर्जी के द्वारा मैं, और सोलर एनर्जी के द्वारा मैं हर एक जिला में बड़ा उद्योग लगा सकूंगा।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंजीनियर सुरेश्वर पुद्दा, मैं भारत उपक्रम में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर एवं जो है जनरल मैनेजर पद से रिटायर हुआ हूँ, और मैं टेक्निकल एडवाइजर था हाइड्रो पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। मैं उसको रिजाइन करके मैं अपने समाज का अपना शेष जीवन राज बने सुखाल मिथिला बने इसके लिए मैं तत्पर। किस पार्टी से आप चुनाव? मेरे पार्टी का नाम आदर्श मिथिला पार्टी है, जो सिर्फ मिथिला राज के विकास के लिए काम करेगा। जैसे शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा बना के राज बनाया, ठीक उसी तरह का सपना हम लोग लिए हुए हैं कि हम लोग भी मिथिला पार्टी बनाकर मिथिला राज बनाएंगे।